जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बुढ़ापा पेंशन आदि मिलेगी 1250 रुपए। बड़ा बदलाव हुआ है, अगले महीने से इन सभी के खाते में 1250 रुपए ही सिर्फ बुढ़ापा पेंशन आएगी। मध्य प्रदेश से 1750 और दिल्ली से 1250 रुपए ज्यादा दे रही है बुढ़ापा पेंशन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूछा कि लोगों को 5100 रुपए पेंशन की उम्मीद थी, तो उन्होंने जवाब दिया चलो 250 रुपए की ही बढ़ी हुई है, कोई अंत तो नहीं है, अगर हमने 3 साल में 750 की बढ़ाई है और आगे भी आएगा ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ और सारे जनता जानते हैं। अगर मेरे 45 विधायक होते 45 विधायक के साथ पहले दिन ही बढ़ जाती, मगर गठबंधन की कॉमन मिनिमल प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियाँ जसपा और जेपी चर्चा करती हैं और दोनों पार्टियाँ चर्चा करने पर भी आगे कदम उठाते हैं, तो वही खुशी इस बात की है कि 250 रुपये बढ़ी। आज भी हम देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ाई हुई और 1000 रुपये थी उन्होंने के मुकाबले हमारी 1750 रुपये ज़्यादा है, दिल्ली में शायद 1500 रुपये है, इसके मुकाबले हमारी 1250 रुपये ज़्यादा है। तो दोस्तों जुड़े रहें अभी तक हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद।